भाई गॉड, दुनिया में मैंने कई बेशर्म कौमें देखी हैं मगर ऐसी बेहया नस्ल नहीं देखी। बाकी टीमें एक मैच हारने के बाद नया प्लान बनाती हैं, ये लोग ऐसे जलील हैं कि हर हार के बाद नए नए बहाने बनाते हैं। मैं ईश्वर ऐसी शादी करूं और वहां से बड़ा नेक परहेजगार बच्चा पैदा हो तो कभी भी नहीं हो सकता। सुना आपने, ये चूसी हुई गुठली पीसीबी को क्रिटिसाइज करते करते ऐश्वर्या राय को गाली दे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ट्रू एक्सप्लेन, करते हैं आपको फिट फॉर जबरदस्त शानदार जिंदगी गुजार रहे हो। आज हम आपके साथ लेटेस्ट वीडियो के साथ हाजिर हैं। आज की वीडियो में आपके बारे में बताएंगे अब्दुल्ला लसन भाई, ऐश्वर्या राय जो अब्दुल रजाक वाला सीन हुआ, हमने आपके साथ दानिश कनेरिया वाले वीडियो में भी बात डिस्कस की थी और हमने उसको बड़ी कंडेम किया था। तो आज की वीडियो हम आपके साथ लेके आए जिस पे के इंडिया वर्सेस पाकिस्तान वर्ल्ड कप 2023 सेमीफाइनल आरजे रोना के ऊपर तफसील से इन्होंने वीडियो बनाया पंतंत्र। ओरिजिनल वीडियो का लिंक इनका डिस्क्रिप्शन में है, अगर आप इनको सपोर्ट एंड सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। वीडियो गर्म करते हैं स्टार्ट। दोस्तों कहते हैं भैंस पूंछ उठाएगी तो गोबर ही करेगी, उसी तरह एक जाहिल पाकिस्तानी मुंह खोलेगा तो बकवास ही करेगा। एक तो इनका दिमाग पहले ही कम काम करता था, दूसरा जब से ये वर्ल्ड कप में जलील हुए हैं तब से इनकी बची खुची बुद्धि भी भ्रष्ट हो चुकी है। भाई गॉड, दुनिया में मैंने कई बेशर्म कौमें देखी हैं मगर ऐसी बेहया नस्ल नहीं देखी। बाकी टीमें एक मैच हारने के बाद नया प्लान बनाती हैं, ये लोग ऐसे जलील हैं कि हर हार के बाद नए नए बहाने बनाते हैं। कभी इन्हें लगता है कि मैच में दर्शकों के जय श्री राम के नारे लगाने से इनके प्लेयरों की टांगे कांप गई, कभी इन बेईमानों को लगा कि इंडियन बॉलर्स गेंद में चिप लगाकर बॉल स्विंग करवा रहे हैं, कभी इन जाहिलों को लगा कि हम मैदान में दिल दिल पाकिस्तान न बजने से हार गए, और अब तो इन कबर खोदों ने हद ही पार कर दी है। फॉर्मर पाकिस्तानी खिलाड़ी अब्दुल रजाक ने कुछ ऐसा बोल दिया कि जिससे उस पूरी कौम की घिनौनी सोच का पता चलता है। ये पता चलता है कि ये लोग औरतों के बारे में क्या सोचते हैं, ये पता लगता है कि ये लोग गैर मुसलमानों के बारे में क्या सोचते हैं, ये पता लगता है कि आखिर क्यों हमारे बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। तो क्या कहा रजाक ने और कैसे उनके स्टेटमेंट को सिर्फ उनकी फिसली जुबान बताकर उनको माफ नहीं किया जा सकता, आइए इसी पर अपना थोड़ा टाइम खराब करते हैं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, मैं हूं रौनक। कहते हैं एक इंसान लाइफ में कितना आगे जाएगा इसका इस बात से पता चलता है कि वो अपनी हार पर कैसे रिएक्ट करता है। इस लिहाज से देखें तो यह साफ हो गया है कि पाकिस्तानियों को फ्यूचर में भी जूते पड़ने वाले हैं। अमा यार, मैच हार गए हो, टूर्नामेंट से बाहर हो गए हो, थोड़ा अपने गिरेबा में झांको, क्या गलतियां हुई हैं उन पर फोकस करो और आगे बढ़ो। मगर नहीं, ये लहसुन के पकोड़े ऐसे हैं जो बिना जलील बात किए मानते ही नहीं। कॉमन मैन अगर बकवास करे तो फिर भी बंदा इग्नोर कर दे, मगर जब आपके इंटरनेशनल प्लेयर भी सरेआम हगने लगे तो अल्लाह ही मालिक है। पहले आप ये बयान सुनिए फिर आगे बात करते हैं। दिखाओ भाई, अगर आपकी सोच ये है कि मैं ईश्वर ऐसी शादी करूं और वहां से बड़ा नेक परहेजगार बच्चा पैदा हो तो कभी भी नहीं हो सकता। सुना आपने, ये चूसी हुई गुठली पीसीबी को क्रिटिसाइज करते करते ऐश्वर्या राय को गाली दे, ये स्पाइडरमैन का सड़ा हुआ अंडरवेयर बोल रहा है कि अगर आप ऐश्वर्या राय से शादी करोगे तो फिर उससे गुणवान बच्चे कैसे पैदा कर लोगे। मतलब हद होती है नीचता की, और ये बात कोई आम पाकिस्तानी नहीं कर रहा है, वहां का फॉर्मर क्रिकेटर ये बात कर रहा है। सोचिए, जो पूरी दुनिया घूमा है, जिसने घूम घूम कर ये देखा है कि दुनिया में कितना खुलापन है, कैसे औरतें हर मामले में मर्दों की बराबरी से काम कर रही हैं, इसके बावजूद इस आदमी में इतनी अकल नहीं है कि अपने क्रिकेट बोर्ड की बुराई करते करते किसी औरत को गाली नहीं देनी होती। भैया मैं पूछता हूं, क्या मतलब है इस बात का कि आप ऐश्वर्या राय से शादी करोगे तो आपको गुणवान औलाद नहीं पैदा होगी। ऐश्वर्या राय हिंदुस्तान की बेहतरीन अदाकारा हैं, भारत के सबसे इज्जतदार घर की बहू हैं, फॉर्मर मिस वर्ल्ड रही हैं, मिस इंडिया रही हैं, एक से एक बेहतरीन फिल्मों में उन्होंने काम किया है। 25 साल के अपने करियर में उन्होंने आज तक एक हल्की बात नहीं की, हमने किसी कॉन्ट्रोवर्सी में उनका नाम नहीं सुना, और ये आदमी उस औरत के लिए ऐसी बात कर रहा है। अगर आपकी सोच ये है कि मैं ईश्वर राय से शादी करूं और वहां से बड़ा नेक परहेजगार बच्चा पैदा हो तो कभी भी नहीं हो सकता। ऐश्वर्या को गाली दी सो दी, इस जाहिल ने एक पल के लिए भी ये नहीं सोचा कि जब मैं ये कहूंगा कि ऐश्वर्या से शादी करके आप एक नेक औलाद की उम्मीद कैसे कर सकते हैं, तो ये बात सुनकर खुद उनकी बच्ची कितनी शर्मिंदा होगी। सच में यार, जब से मैंने ये बात सुनी है मन से यही निकल रहा है। भाई फॉर्मर प्लेयर्स तो आइकन होते हैं जिनकी तरफ सोसाइटी बड़ी उम्मीद से देखती है, जिनकी कही बातों को लोग बड़ी सीरियसली सुनते हैं, क्योंकि आम आवाम ये मानकर चलती है कि भाई आप जिंदगी में इतने कामयाब हुए हैं इसका मतलब है आपको जरूर कुछ ऐसी बातें पता होंगी जो आम लोगों को नहीं पता। मगर जब आप अपने क्रिटिसिज्म में जबरदस्ती एक औरत को घसीट कर ले आए, उसके कैरेक्टर पर सवाल खड़े कर दें, वो भी उस मामले में जिससे उसका कोई लेना देना ही नहीं है, तो सच में आप पर और आपके समाज पर शर्म आती है। और कहानी सिर्फ यहीं पर खत्म नहीं होती। क्यों मैंने शुरू में यह कहा कि एक बयान से पूरी सोसाइटी की सोच का पता चलता है, मैं उस पर भी आऊंगा, उस पर भी अपनी ओपिनियन दूंगा, लेकिन पहले मैं आपको बता दूं आप लोग भी ओपिनियन देकर लाखों रुपए कमा सकते हो। प्रोबो ऐप पर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर क्लिक करके इस ऐप को अपने फोन में डाउनलोड करो। सिर्फ येस या नो में आसान से सवालों के आपको जवाब देने हैं और ओपिनियन देकर ढेर सारे पैसे जीतने। फॉर एग्जाम्पल, वर्ल्ड कप चल रहा है, क्रिकेट का भी टॉपिक है, क्या लगता है पहले सेमीफाइनल में भारत न्यूजीलैंड के सामने जीतेगा, क्या लगता है सेकंड सेमीफाइनल में साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया के सामने जीतेगा,
जीतेगा, यस या नो में ओपिनियन दो, ढेर सारे पैसे कमाओ और आसानी से वो पैसे आप विड्रॉ भी कर सकते हो। इसके अलावा एक जबरदस्त ऑफर भी चल रहा है प्रोमो पर, आप पैसों के साथ साथ थार, बुलेट और आईफोन भी जीत सकते हो। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, 13 नवंबर से 19 नवंबर तक जो भी बेस्ट 1000 ट्रेडर्स होंगे उन सबको मिलेगा बड़े से बड़ा रिवॉर्ड। तो जल्दी से प्रोमो डाउनलोड करो, ओपिनियन दो और पैसे कमाओ, वीडियो में आगे बढ़ो। चलिए फिर से उस मुद्दे पर आते हैं जैसा मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा कि अब्दुल रजाक ने ऐश्वर्या राय पर जो कहा वो सिर्फ जबान फिसलने का मामला नहीं है। आप उस क्लिप को फिर से देखिए और नोट कीजिए कि जब अब्दुल रजाक ये स्टेटमेंट दे रहे थे, जब ये बोल रहे थे, तो बाकी प्लेयर्स के रिएक्शन क्या थे। मैं ईश्वर राय से शादी करूं और वहां से बड़ा नेक परहेजगार बच्चा पैदा हो तो कभी भी नहीं हो सकता, तो आपको पहले नियत अपनी ठीक करनी पड़ेगी। देखा आपने, जब रजाक ने ऐश्वर्या राय वाला स्टेटमेंट दिया तो उसे सुनते ही हम सब शॉक्ड हो गए, मगर उस वक्त रजाक के अगल बगल में बैठे उमर गुल और शाहिद अफरीदी दोनों हंस रहे थे, उस पर तालियां बजा रहे थे। मतलब रजाक ने जो गोबर किया सो किया, मगर क्या साथ में बैठे बाकी लोगों को भी नहीं समझ में आया कि यार ये तो बहुत ही गलत बात बोल गया। इससे पता चलता है कि ये वो लोग हैं जो आमतौर पर औरतों के बारे में ऐसी ही हल्की सोच रखते हैं, जिन्हें लगता है कि जो भी औरत शोबिज से जुड़ी हुई है वो कैरेक्टरलेस ही होगी, उसका तो कोई ईमान नहीं है। ऐसा बोलकर तुमने ऐश्वर्या राय के ही इंसल्ट नहीं किया है, उन तमाम पाकिस्तानी लड़कियों को भी बेइज्जत किया है जो फिल्म या एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़ी हुई हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। तुम्हारे हिसाब से अगर पेशे से इंसान का कैरेक्टर डिफाइन होता है तो फिर क्या सबसे ज्यादा पवित्र पेशा मौलवियों का होना चाहिए? मगर क्या अब्दुल रजाक को नहीं पता कि पाकिस्तान के मदरसों में मौलवी छोटे छोटे बच्चों के साथ कैसे घिनौने काम करते हैं? जो गरीब माँ बाप अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ा पाते, इस महंगाई में उनकी परवरिश नहीं कर पाते, वो सब इस उम्मीद में पाकिस्तानी मदरसों में अपने बच्चों को छोड़ देते हैं कि वो वहाँ दीन की तालीम लेगा, और इसी बात का फायदा बहुत सारे मौलवी इन मदरसों में उठाते हैं। मैं फिर दोहरा दूं, इन पाकिस्तानी खिलाड़ियों की तरह मैं इतना जाहिल नहीं हूं कि सभी को एक ही रंग में रंग दूं, मगर यह हकीकत है। खुद पाकिस्तानी मीडिया में रिपोर्ट्स हैं, हर साल दसियों ऐसे मामले आते हैं जहां यह पता चलता है कि बहुत सारे मौलवी मदरसों में बच्चों को एक्सप्लॉइट करते हैं, और ऐसा है जो कि है भी, तो अगली बार किसी घटिया आदमी का जिक्र होना, रजाक भाई उस एग्जाम्पल में उस मौलवी से भी उसे कंपेयर कर देना, फिर देखना तुम्हारा क्या हश्र होता है। और ये बात मैं सिर्फ और सिर्फ इसलिए कर रहा हूं कि भाई किसी के पेशे से कोई पवित्र नहीं हो जाता और न ही बदनाम हो जाता है, न कोई मौलवी बन जाने से बहुत पाक साफ हो जाता है और न कोई एक्टर होने से बेहया हो जाता है, और तुम होते कौन हो एक औरत के लिए ऐसी बात करने वाले। इसलिए मैंने शुरू में कहा कि ये कौम ही जाहिलों की है। मैच हारने पर रजाक ऐश्वर्या राय को गाली दे रहे हैं, इससे पहले एक और चोमू हसन रजा कह रहे थे कि बीसीसीआई चीटिंग कर रही है, वो इंडियन बॉलर्स को अलग बॉल देती है, वो ज्यादा स्विंग करती है। जब मैं ये सब सुनता हूं ना तो मुझे तारिक फतेह साहब की वो बात याद आ जाती है कि एक कौम इतने जाहिल कैसे पैदा कर सकती है। आप खुद इंटरनेशनल क्रिकेट खेले हो, ये भी नहीं पता कि मैच में क्रिकेट बोर्ड खिलाड़ियों को बॉल नहीं देता, बल्कि मैच से पहले दोनों टीमों के कप्तान जो 10-12 अवेलेबल बॉल होती हैं उनमें से दो बॉल सिलेक्ट करते हैं, फिर वो बॉल अंपायर्स के पास जाती है और अंपायर्स के थ्रू ही टीमों को बॉल मिलती है। मगर ये कतई जाहिल बात हुई, आपको तो समझ में आती नहीं। ऐसे कुछ और बंदर छाप ये बोल रहे थे कि बीसीसीआई डीआरएस सिस्टम से भी गड़बड़ी करवा रहा है। इनकी बात सुनो और फिर अपना सर किसी दीवार में दे मारना। सुनो, डिसीजन रिव्यू सिस्टम का अंतिम संस्कार कर दिया 6-6 इंडिया के फेवर में, क्या मजाक हो रहा है यार। अरे डीआरएस सिस्टम क्या तुम्हारे पप्पा का गल्ला है? क्या वो गन्ने के जूस की मशीन है जहां जय शाह बैठकर गड़बड़ी कर रहे हैं? भले ही ऊपर वाले ने थोड़ी दी है, लेकिन जितनी भी दी है उतनी अकल तो लगाओ। अरे मतलब हद है यार, पूरा टूर्नामेंट तुमने रोते रोते निकाल दिया। कभी जय श्री राम के नारे सुनकर अपनी चूड़ियां तोड़ दी, कभी दिल दिल पाकिस्तान नहीं बजाया ये बोलकर गधे की तरह जमीन पर लौट गए, कभी बिरयानी खाने के नाम पर पानी की टंकी पर चढ़ गए, कभी डीआरएस को गाली दे दी, कभी आईसीसी को बिका हुआ बता दिया। अबे चौथी फेल हो क्या? तुमने अपनी इज्जत चीनियों के हाथों नीलाम कर रखी है क्या? तुम्हारे यहां कुछ लोग दो बोरी आटे के लिए शेखों के बिस्तर गरम करते फिरते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि सारी दुनिया ही बिकी हुई है। एक मैच हारते हो तो कभी अपने खिलाड़ियों को बिका हुआ बता देते हो, तो कभी आईसीसी को। अच्छा, हमको सिखा दिया है। सच कहूं ना तो मुझे तुमसे अब हमदर्दी भी नहीं होती है। मुझे पता है कि आज कुछ पाकिस्तानी थोड़ा तमीज में रहकर बात भी कर रहे हैं, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम्हारी टीम जलील होकर बाहर हुई है, तभी वो तमीज दिखा रहे हैं। मगर मुझे अच्छे से पता है और इतिहास इस बात का गवाह है कि तुम में से कुछ लोग इतने ओछे हैं, इतने हल्के हैं कि तुम एक आध मैच अगर गलती से जीत गए ना तो तुम फिर से क्रिकेट में मजहब को घुसा दोगे, अपनी टीम की जीत को इस्लाम की जीत बता दोगे, तुम्हारे खिलाड़ी इसके बहाने हिंदुओं को गाली देने लगेंगे। और तुम्हें एक राज की बात बताता हूं, इधर आओ। तुम हर बात पे कहते हो ना कि ये कुदरत का निजाम है। तुम जानते हो तुम्हारी टीम 12 साल से वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में नहीं पहुंची है? क्योंकि यही कुदरत का निजाम है। जिस ऊपर वाले को तुम मानते हो वो भी ये जानता है कि तुम्हारी सोच कितनी हल्की सोच है,
उसे भी ये पता है कि तुम्हें जरा सा कुछ दे दिया ना तो तुम आपे से बाहर हो जाते, घमंड से चूर हो जाओगे, दूसरे को गाली देने लगोगे, दूसरे पर कब्जा करने की सोचने लगोगे। तुम्हारी इसी सोच ने तुम्हारा ये हाल कर दिया है जो आज तुम्हारी कौम रोटी खाने तक को मोहताज हो गई। और ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि यही कुदरत का निजाम है, तुम्हारी घिनौनी सोच की यही सजा है। बाकी पाकिस्तान क्या है और हिंदुस्तान क्या है, इस बात को इस अफगान भाई ने 12 सेकंड में जो बोल दिया है ना, उसके बाद कहने सुनने को कुछ बचता ही नहीं है। आप देखो, और असल में इंसानियत, एहसास और इंसाफ, ये तीन चीज किसी में तो वो इंडिया चला जाए, और बेमान है तो पाकिस्तान में रह जाए। मेरे दिल भी चाहता है मैं इंडिया चला जाऊँ, कसम खुदा का। सुना आपने? और ये वो शख्स है जो पिछले 25 सालों से पाकिस्तान में रह रहा है। इतने सालों के बावजूद ये इंसान अगर उस मुल्क को अपना नहीं समझ पाया, उस मुल्क ने हमेशा इसे बाहरी होने का एहसास करवाया, तो आप समझ सकते हो कि उस पर क्या गुजरी होगी जो उसे ये सब कहना पड़ा। बाकी और क्या कहूँ, सब कुछ आपके सामने। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में कई बातों से आप सहमत होंगे। बाकी आपकी भी रजाक के बयान पर अगर कोई प्रतिक्रिया है, राय है, ओवरऑल पाकिस्तान में हार के बाद जो रोना स्यापा मचा है उस पर अगर आप कुछ सोचते हैं तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, प्लीज जरूर शेयर करिएगा अपने नाम के साथ। बाकी अपनी ओपिनियन देकर अगर आपको ढेर सारे पैसे जीतने हैं तो डिस्क्रिप्शन में प्रोबो ऐप का लिंक दिया है, उस पर क्लिक करके इस ऐप को डाउनलोड करो, 25 रुपीज का वेलकम बोनस मिलेगा क्रिकेट से जुड़े हुए, और इसके अलावा भी कई सारे टॉपिक्स हैं। यस या नो में ओपिनियन दो, ढेर सारे पैसे जीतो। जाने से पहले हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो शेयर करिएगा, क्योंकि आपकी वीडियो शेयर करना हम सबके लिए बहुत जरूरी है। हम चाहते हैं ये वीडियो बड़ी मेहनत से बनती है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। फेसबुक पे देख रहे तो हमारे पेज को जरूर लाइक करिएगा, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे भी मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। ये था वीडियो, देखा आप लोगों ने। मोहम्मद अहमद, इस पे क्या कहना है आपका भैया, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं एग्री करते हैं यार उनकी बातों से या डिसएग्री? मैं उनकी बातों से एग्री करता हूँ, लेकिन ये है कि एक चीज से पूरी कौम का जायजा लेना मेरे ख्याल से वो भी गलत है। वो इस तरह के जैसे इन्होंने मिसालें दी हैं कि भैंस पूछ तुम उठाएगी तो फिर वो गोबर ही करेगी, इस तरह वैसे भी उठाती है जब कौवा बैठा हुआ है, कुछ भी हो, लेकिन उनकी एग्जाम्पल के बताओ बात करूँ तो अगर इस तरह देखें तो एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है बाकी साफ मछलियों को भी। अगर इस तरह देखें तो ये भी बात है। अब बहुत सारे बंदे, इन्होंने खुद ही एक वीडियो दिखाई है कि एक बंदा है वो कह रहा है कि अगर आपको इंसानियत देखनी है या आपको ये करना है तो आप इंडिया चले जाएं, पर अगर आपको बेईमानी और ये वो सब कुछ करना है तो आप पाकिस्तान में रह जाएं। तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पे इस वीडियो के मुताबिक तो इससे ये साबित होता है ना, यहाँ पे अच्छे बंदे भी हैं जो इस बात को समझते हैं, जो इंसानियत को समझते हैं, जो तरीकेकार को समझते हैं, और ऐसा नहीं है कि हर बंदा ही सेम एक ही कैटेगरी के अंदर है। हम हॉल का असर जरूर होता है, वो एक बात अलग है कि बंदे को किसी ना किसी जगह पे, किसी ना किसी स्टॉप पे जाके उसका स्टॉप लगता है वहां पे जाके, यार ये भी एक चीज है। लेकिन जिस बंदे ने शुरू से अच्छा माहौल देखा है, जब वो बुरे माहौल में जाएगा तो उसको बड़ा बुरा लगेगा वो, और जिस बंदे ने शुरू से बुरा माहौल देखा है वो अच्छे माहौल में जाएगा तो उसको भी बुरा लगेगा, क्योंकि उसको बुरा इसलिए लगेगा कि उसको पता ही नहीं किस किस चीज के साथ किस तरह हमने अपनी अटैचमेंट करनी है, हमने इस माहौल के अंदर किस तरह रहना है, ठीक है, हमने इस माहौल को किस तरह मतलब अपने अंदर लेके आना है, अपने डालने की बात करते हैं जब बंदा कहीं भी जाता है। तो इस तरह जिस तरह अब शायद अफरीदी थे और दूसरे क्रिकेटर थे साथ बैठे थे, क्या उनका नाम है, सईद अजमल जी, वो भी कर रहे थे, तो वो इन्होंने जिस बात पे हंसी की है, अब बंदे को बात सुनने के बाद अगर मैं बात करूं या आप बात करें तो हम एक दूसरे की बात को नोट करना चाहिए कि यार बेशक आप जितनी बड़ी मर्दी पर्सनैलिटी हो कम से कम बंदा देखे उसे कि बंदा बात कर क्या रहा है और किसके बारे में बात कर रहा है। तो हाँ, अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम आप तालियां तो थम जाओ कि अगर आपको चीज बुरी लगी है, इसका मतलब ये कि वो बात सुन नहीं चले, बस उसको रिस्पेक्ट दे देते कि अगला बंदा अगर बात कर रहा है, वैसे बात कर रहा हूँ रिस्पेक्ट देने वाली बात होती है, क्योंकि मेरी बस बात सुननी नहीं है, जब एक दाल वाली बात आ गई या हंस वाली बात आ गई तो बंदा बता दे यार यहाँ पे आपने हंसना है, तो ये तो वो वाली बात मुझे नजर आ रही थी कि जिस तरह वो हंस रहे थे या बात, अगर वो बात पे गौर कर रहे होते मेंटली तौर पे तो इस तरह वो तालियां तो ना बजाते। मैं ये एज अ पाकिस्तानी कहता हूँ कि इन्होंने एक बंदे ने तो गलती की है, और साथ जो बाकी दो शायद अफरीदी और बड़े अच्छे प्लेयर हैं, मतलब ये नहीं कह सकते कि वो बुरे प्लेयर हैं, या एक बात से उनको नोटिस भी नहीं किया जा सकता कि अगर इन्होंने ये गलत हरकत कर दी तो बाकी मामला में भी, जैसे क्रिकेट या बाकी वो चीज़ें अलग है, वो उन चीज़ों से हम कंपेयर नहीं करना चाह रहे, लेकिन बात यह है कि जो चीज़ गलत है उसको गलत कहना, अगर हम गलत करते हैं, कोई बात गलत करते हैं तो आप बता सकते हैं कि आपने ये बात गलत की है, कमेंट बॉक्स इसीलिए है ना कि आप बताएं कि यार ये आपने गलत बात की, आपको इस तरह नहीं करना चाहिए, आपको ये नहीं कहना चाहिए, अगर बताएंगे हाँ आप बताएं बिल्कुल, और हम भी आपकी बात से, अगर आपकी बात सही हुई, अगर आपका मतलब जो आपकी राय है अगर वो सही हुई हम उसको एक्सेप्ट करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है कि हम नहीं करेंगे, लेकिन क्योंकि हम तो यहाँ पे बैठे हैं या बात कर रहे हैं सीखने के लिए, मैं तो खास तौर पे बात सीखने के लिए यहाँ पे बैठा हूँ,
और ये पूरे माहौल को देखने के लिए बैठा हूँ, ये माहौल चल कर रहा है दुनिया के अंदर, पाकिस्तान और इंडिया खासतौर पर। वैसे हमने यही डिसाइड किया कि हम इलेक्शन भी इस पर करेंगे। बाकी इसके अलावा मतलब जो उन्होंने बात की है शेरी राय के बारे में कि वो उनकी एक पर्सनल लाइफ है, एक बंदे का एक होता है ना कि फॉर एग्जांपल कि आप मेरी फील्ड की हो या कोई और इलेक्शन चैनल वाला है या कोई और बंदा है, तो हम उस फील्ड के अंदर रह के बात कर सकते हैं कि ये बंदे ने इस तरह कहा है या इस बंदे ने, उस पर बात की जा सकती है। एक बंदा है उसकी मतलब जो है वो लाइन ही कुछ और है, एक पटरी इधर इस्लामाबाद को जा रही है, एक लाहौर को जा रही है, तो मैं लाहौर वाली इस्लामाबाद के साथ मैच करता हूँ। मतलब शेर राय वो तो एक्टर है ना, उनका क्रिकेट से कोई लेना देना नहीं है, तो उनको एक बंदे को बिना वजह अंदर मतलब डाल के और घुसेड़ दिया कि लो जी आप इस बात के अंदर आ जाओ, तो वो भी तो गलत है। इसलिए तो कहते हैं कि चौथी फेल भी है, सारी बातें जस्टिफाइड है यार। हाँ, अगर अगर इस तरह देखे ना भी बोले तो हरकतें तो बता रही है ना हरते। देखो हालांकि पाकिस्तानी क्रिकेटर है, मैं फिर भी ये बात कर रहा हूँ क्योंकि हमें बात सही करनी चाहिए। बिल्कुल, लेकिन क्या हम इस बात से अंदाजा, तेरी बात हो गई क्या? है नहीं, क्या हम इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं जो आरजे रौनक ने ये बात बोली है कि सारी सोसाइटी ही इस तरह की है, सारी की मतलब क्या है कि मेजोरिटी की ये बात हुई? क्या हम इस बात से ये अंदाजा लगा सकते हैं कि जो सोसाइटी है वो मेजोरिटी पाकिस्तान की, इस तरह अगर इस तरह बोले ये मेरे ख्याल में ज्यादा बेहतर है कि जो अब्दुल रज़ाक ने बात बोली है उसके रिस्पांस में तीन जो क्रिकेटर कैमरे में नजर आ रहे हैं, राइट साइड पे शाहिद अफरीदी के, जो मतलब हमारे राइट पर शाहिद अफरीदी के लेफ्ट साइड पे, उनकी अगर हम साइड पे देखें तो पता नहीं कौन है, लेकिन उमर अकमल की जो राइट साइड है वहां पे बैठे हैं सईद अजमल है, उमर अकमल है, अब्दुल रज़ाक है, शाहिद अफरीदी है। जब अब्दुल रज़ाक ने ये बात बोली है तो इनका उसके बदले में क्या रिएक्शन था, इस बात से हम सोसाइटी का इमेज समझ सकते हैं, उसको मतलब जायजा ले सकते हैं कि एक बंदा बात कर रहा है और बाकी बंदे उसकी तारीफ कर रहे हैं, या हम उसको यहाँ पे जस्टिफाई करेंगे कि वो बंदे सुन नहीं रहे थे? वो तो वो बताएंगे ना, नहीं सुन रहे। मेरे ख्याल से क्योंकि वो सारे एक टीम के अंदर से हैं, एक माहौल के अंदर हैं, मतलब गलत चीज के साथ नहीं लेना ना। नहीं नहीं, साथ देने वाली बात नहीं कर रहा मैं, ये नहीं कह रहा कि उन्होंने सही किया है, मैं वैसे एक बात कर रहा हूँ कि जैसे वो अभी चार बंदे बैठे हैं तो बाकी जो ऐसी इस बात की क्या गारंटी है कि अगर 100 बंदा वहां बैठा है तो उसके अंदर से 50 बंदों ने इस बात में हंसे और 50 बंदे नहीं हंसे। मतलब मैं ये कह ये जरूर मान रहा हूँ कि गलत किया उन्होंने, तो बाकी जो हंस रहे हैं उन्होंने भी गलत किया, एक तो गलती बंदे ने की है ना, दूसरे जो मतलब जो सुनने वाले उन्होंने भी गलती की है, उनको हंसना नहीं था चाहिए, उनको कम से कम कुछ बोल नहीं कर सकते तो वो उस बात पे खामोश रहते अगर बात बता, अगर गाड़ियां मारी प्रॉपर। हाँ, ये बात जो है ना ये गलत की है उन्होंने, तो ये ना मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हम इस बात से सोसाइटी का अंदाजा लगा सकते, मेरे ख्याल से तो नहीं लगा सकते। अब ये ना समय मैं इसको जस्टिफाई कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये मेरा ये मानना है कि इस तरह इस चीज का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि हर बंदे की सोच अंदर से किस तरह है वो और उसकी क्या वो राय रखता है। उनको अच्छा लगा तो उन्होंने ताड़ी मारी, लेकिन इसके अलावा अगर बात करें उससे हम जज करें पूरी सोसाइटी को कि मेजोरिटी में ज्यादा बंदे जो है वो क्या करते हैं, इस बात पे हंसते हैं, इस बात को फील करते हैं, इन चार बंदों से ये पांच बंदों से हम इस चीज को जज, मतलब इसलिए जज कर रहे हैं कि अब्दुल रज़ाक किसी और कोई किसी और ओरिजिन से, उनका इलाका कोई और है, लाला का कोई और है, जो शायद अफरीदी बूम बूम उमर अकमल का कोई और है, सईद अजमल का इस तरह कोई और है, फील्ड नहीं है, लेकिन जो उनकी परवरिश है वो अलग अलग इलाकों में हुई है ना, तो अगर किसी को बात बुरी लगती है ना तो वो उसने मतलब रिएक्शन देना ही नहीं था, मतलब जो मुझे समझ में आई है कि ये सोसाइटी बता रही है, जो मैं समझाई तो तूने बात रखी ना, जो मैं अपना टेक यहाँ पे बताता हूँ कि सोसाइटी ऐसी है तो उन्होंने ऐसा रिएक्शन दिया, अगर सोसाइटी ऐसी ना होती तो उनमें से कोई तो ऐसा होता, जितने भी कैमरे में नजर आ रहे हैं हम जूम आउट हमारे पास होता तो हम बाकियों को भी ऑब्जर्व कर सकते थे कि बाकियों को इसके ऊपर क्या रिएक्शन है, अगर बाकियों का भी सेम होता तो हम और क्लियर हो जाते हैं। ये चार से भी हम अंदाजा लगा सकते हैं इसमें सईद अजमल, उमर अकमल, अब्दुल रज़ाक और शाहिद अफरीदी के क्या इन्होंने यहाँ पे किया है, तो मेरे ख्याल से तो बहुत इंतहाई ठीक है। जिस एंगल से असल में मेरा उसको देखने का एंगल थोड़ा डिफरेंट था, मैंने अब आपका भी फील किया कि आप किस लिहाज से बात करें तो वो भी ठीक है, मतलब इसको ये नहीं मैं कह सकता कि आप गलत कह रहे हो, और इसमें ये भी नहीं मैं कह सकता कि मैं गलत कह रहा हूँ, क्योंकि आपका उसको चीज को देखने का एंगल और तरह का है, मैं उस चीज को किसी और एंगल से देख रहा हूँ, तो मेरे ख्याल से 70% आपको नंबर देने चाहिए और 30% मुझे, बाकी मुझे तो लगता है एक भी देना चाहिए। तो ये ओपिनियन था, लेकिन उसके अलावा जो आपने देखा है ये नहीं यार, बड़ा हैवी सीन है, काम खराब है।
मतलब इस लेवल के क्रिकेटर हो गए, जो उन्होंने बात बोली है कि आम आदमी ये समझता है कि ये बंदा इतना ऊपर गया है तो कुछ ना कुछ इसने ऐसा अंजाम है, ये बात हैवी थी। जिम्मेदारी लेना बहुत जरूरी है, क्या मैंने कुछ लाइफ में किया, लोग मुझे फॉलो करते हैं तो इतना सा कि यार मैं जो बात कर रहा हूँ या मुझे मैं इतना ऊपर आ गया हूँ लोग मुझे फॉलो करते हैं तो मैं अपने आप को अपडेट करता हूँ, अपने आप को सिखाता हूँ, ग्रोथ अपनी रुकनी नहीं चाहिए। ये नहीं कि दूसरों के लिए, आप अपनी ग्रोथ खुद पर्सनल करेंगे दूसरे ऑटोमेटिक ले लेंगे। लेकिन आपकी इस टाइम पे ग्रोथ करनी इसलिए जरूरी है, बेशक आप मतलब इसलिए जरूरी है क्योंकि लोग भी आपकी कॉपी कर रहे हैं और लोग आपको देख रहे हैं, आपको सुनना चाहते हैं क्योंकि आप एक कामयाब शख्स हैं। और किस वजह से आपकी कामयाबी हुई है उसकी, जैसे उन्होंने बात बताई, कोई तो ऐसी वजह होगी ना, कोई ऐसी बात होगी जिसकी वजह से बंदा कामयाब हुआ है, तो उसके पीछे वो सारी जो हिस्ट्री है वो बाकी पहले यार इस बात को बहुत लंबी चौड़ी में बिल्कुल यही है। हमारा ओपिनियन ये था, आपको अपने लास्ट में बताना बड़े अच्छे तरीके से कि आपको हमारी इनकी बातों से, आज रौनक की बातों से, मेरी एंड मोहम्मद आमिर की बातों से एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं, तफसील के साथ बताना ताकि हमें समझ में भी आए कि कौन गलत है कौन सही है और क्या इस सिचुएशन में होना चाहिए था। ओरिजिनल वीडियो का लिंक गणतंत्र का आज रौनक का लिंक डिस्क्रिप्शन में, अगर आप इनको सपोर्ट एंड सब्सक्राइब करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। वीडियो फिर हम करते हैं खत्म, मिलेंगे हम आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।